हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों के साथ सुबह मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी सुबह का बज रहा है 8, सुबह का 8 बज रहा है। तो मेरे हस्बैंड चाय वगैरह पी के बिस्किट वगैरह खा के चले गए हैं अपने ड्यूटी, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और 11 बजे तक ही सब कुछ खुला रहेगा। सो वो 7 बजे सुबह में ही चले गए हैं, तो चाय वगैरह भी हमने पी लिया है। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है खाना बनाने का तैयारी। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे यहाँ मॉर्निंग में ही खाना बन जाता है, ब्रेकफास्ट वगैरह मेरे यहाँ नहीं बनता है। हाँ, अगर माही को कुछ खाना हुआ तो वो फटाफट वाला और क्विक वाला ब्रेकफास्ट करती है, जैसे कि ब्रेड हो गया, चाय बिस्किट हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें माही खा लेती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी का भुजिया, ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे है मेरे पास भिंडी और इसे जस्ट मैं लंबा लंबा ही काट रही हूँ, दो फांक करके, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये आप लोग देख सकते हो, तो इस तरीके की ये भिंडी है और इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है, बस लंबा लंबा मैं इसे कट कर दूंगी। और यहाँ कढ़ाही मैंने चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मेरा कढ़ाही जो है गरम हो गया है, ये आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब मैं इसमें डालती हूँ ऑयल। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और अब बारी है इसे थोड़ा सा गर्म हो जाने देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें ये फ्राई करके निकाल लूँगी। और इधर जो है मेरा दाल भी चढ़ चुका है और मेरा किचन जो है मॉर्निंग में ही क्लीन हो चुका था। करीब इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। तो अब मैं डालने वाली हूँ इसमें सूखी लाल मिर्च 3 से 4, और अब मैं इसमें जरा सा अजवाइन डालूंगी, ये आप लोग देख सकते हो अजवाइन। और अब जाएगा जो अनियन मैंने चॉप किया था यहाँ पे, तो अब मैं इसमें डालूंगी अनियन। हमारा अनियन जो थोड़ा सा बादामी कलर का हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी इस भिंडी को जिसे मैंने फ्राई करके रखा था, और उसके बाद हल्का सा कुछ मसाला डालूंगी, पाउडर मसाला। सो गाइस, तो यहाँ पे मेरा प्याज जो एकदम हल्का सा बादामी कलर का हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे भिंडी डालती हूँ। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी, तो 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एंड धनिया मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर के ले रही हूँ 1 स्पून,
तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है पेस्ट। तो यहाँ पे मैं लूंगी सॉल्ट। तो भिंडी में सॉल्ट बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं क्योंकि भिंडी जो है गलती है बहुत ज्यादा और गल के बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने सारे मसालों को डाल दिया है और अब हम एकदम धीमी आंच करके आंच को हम एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हो एकदम लो फ्लेम पे मैंने आंच को कर दिया है और बस अब हम इसे ढक देंगे। तो गाइस तो मैंने इसे ढक दिया है और अब मैं धीमी आंच पे इसे उलट पलट करके पकाती रहूंगी और बीच बीच में हमें देखते रहना है। कम से कम तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसे अच्छे तरीके से उलट पलट के पका लेंगे। तो चलिए ये जब तक हो रहा है तब तक मैं कहीं और चलती हूँ और दूसरे काम को करती हूँ। गाइस तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए। तो लास्ट वॉश है तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये है डिटॉल का लाउंड्री सैनिटाइजर। तो इसे मैं यूज़ करती हूँ आजकल अपने कपड़ों में। इससे पहले मैं डिटॉल लिक्विड यूज़ करती थी बट वो अभी मिल नहीं रहा है तो मैं ये लाउंड्री सैनिटाइजर यूज़ कर रही हूँ कपड़ों के लिए। तो लास्ट में इसे डालना होता है। तो ये है इसका, ये इसमें मैं नाप के डालूंगी, ये आप लोग देख सकते हो। तो इससे मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसे डाल दूंगी अपने कपड़ों में। तो गाइस तो मैंने डाल दिया है लाउंड्री सैनिटाइजर को कपड़ों में और अब मेरा कपड़ा फुल सैनिटाइज होके एकदम अच्छे से सैनिटाइज होके निकलेगा और इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। आपके कपड़ों में जर्म्स वगैरह नहीं रहेंगे और आपके कपड़े फुल सैनिटाइज हो जाएंगे। बाहर से अगर आप आ रहे हैं अपने कपड़े वगैरह खोल के सीधे डालिए लाउंड्री में, उसके बाद अच्छे से वॉश करने के बाद लास्ट में आप एक ढक्कन सैनिटाइजर यूज़ कीजिए और फिर आप देखिए आपके कपड़े फुल हाइजीन एंड सैनिटाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चला दिया है अपना वॉशिंग मशीन और अब मेरा ये लास्ट है। तो मैं 3 बार अपने कपड़ों को वॉश करती हूँ। फर्स्ट मैं करती हूँ एक सर्फ डाल के करती हूँ फर्स्ट वॉश, सेकंड वॉश सर्फ के पानी को निकालती हूँ एंड थर्ड वॉश में मैं डिटॉल या फिर अभी जो मैंने सैनिटाइजर डाला है डिटॉल का वो डाल के मैं अच्छे से वॉश करती हूँ, क्लीन करती हूँ, उसके बाद अपने कपड़ों को सुखाती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस पाइप से पानी इसमें क्यों डाल रही हूँ, तो उसका भी रीज़न है ये इसका जो पाइप है मेरे नल में नहीं लग पा रहा है इसलिए मैं पाइप का यूज़ कर रही हूँ, यही वजह है। सो गाइस तो यहाँ पे फाइनली मेरी भिंडी की सूखी सब्जी जो है रेडी हो गई है, ये आप लोग देख सकते हो। तो बस इतना ही हमें पकाना है, ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्जी रेडी हो गई है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। सो गाइस तो मैंने इसे निकाल दिया है एक बाउल में और ये देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है देखने में। सो आई होप आप लोग इसे एक बार बना के जरूर ट्राई करोगे। तो ये आप लोग देख सकते हो यम्मी। गाइस तो ये मेरी डाउटर का रूम है, इसका हालत आप लोग देख सकते हो कैसा है। तो चलिए फटाफट से मैं इसके बेड को ठीक करती हूँ। का रूम साफ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं इस चेस्ट ड्रॉर को आज साफ करने वाली हूँ, मैं करूँगी या फिर मैं अपने मेट से करवाऊँगी। तो इसीलिए मैं इसमें का सारा जो सामान है खाली करके इसमें डाल रही हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। खोल लिया है और बस
हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइस, तो किचन में तो मैंने ड्रॉर वगैरह खोल के रख दिया है, चेस्ट ड्रॉर आपने देख लिया। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अपने रूम का अब मैं करूंगी बेड वगैरह ठीक। ये आप लोग देख सकते हो मेरे बेड का हाल। तो सो गाइस, तो सुबह का जो मेरे बेड का हाल होता है वो यही होता है, ये आप लोग देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से अब मैं इन्हें करूंगी क्लीन। काम है रोज एवरीडे मैं टेबल वगैरह सब कुछ क्लीन करती हूँ क्योंकि इन सब पे रोज गंदा गिरता है, आपको पता ही होगा। तो चलिए आप मैं दिखाती हूँ डाइनिंग टेबल पे मैं क्या क्या रखती हूँ। तो यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर के लिए ये बना हुआ है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और इसमें मैंने एक डाल दिया छोटू सा फ्लावर। तो ये सॉल्ट एंड पेपर के लिए है और ये है फ्रूट फोक और इसमें ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रखा है लौंग और इलायची। कभी कभी मैं इसमें टॉफी वगैरह भी रखती हूँ। और ये है मेरा शुगर का दवाई, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद शुगर टेस्ट हुआ है तो मुझे शुगर निकल गया, सो उसके लिए मैं ये दवाई रोज खाती हूँ और मुझे याद नहीं रहता इसीलिए मैं इसे सामने रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे। और ये एक्स्ट्रा सॉल्ट और रखा हुआ है यहाँ पे। और ये है नैपकिन होल्डर, बहुत क्यूट सा है ये आप लोग देख सकते हो, तो इसे मैं रखती हूँ बीच में। और ये है मेरा टूथपिक, तो अभी इसे मैंने ऐसे ही रखा है, इसका जब मैं कोई ऑर्गेनाइजर मंगवाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो बस ये है मेरा एक छोटा सा डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो चलिए अब दूसरी डस्टिंग करते हैं। हटाने वाली हूँ और यहाँ मैंने क्यूट सा एलिफेंट रख दिया है।
क्लीन हो गया है फाइनली। तो अब बारी है नहाने की। तो मैंने आपको क्लीनिंग का वीडियो नहीं दिखाया है, तो मेरी हाउस हेल्पर जो है वो मेरे घर के जस्ट बगल में रहती हैं और मास्क वगैरह का यूज़ करती हैं, और जब भी वो इंटर करने वाली ही होती हैं गेट पे ही मैं उन्हें फुल सैनिटाइज कर देती हूँ, और वो मेरे घर के बगल में ही रहती हैं, तो ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है। और हमारे ही घर के आसपास, मेरे घर के ठीक सामने ही वो काम करती हैं 2-3 घरों में, तो इसलिए उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उन्हें आने देती हूँ अपने घर पे। और जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद मैंने मेड को रखा था, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मेरे हाथों में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैं अच्छे से काम वगैरह नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण मुझे मेड रखना पड़ा था। तो उन्होंने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया है, किचन क्लीन कर दिया है, और मैं आपको वो डब्बा दिखाती हूँ, चेस्ट ड्रॉर जो मैं खाली कर रही थी वो भी वॉश हो चुका है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, तो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है इस रूम में, और ये आप लोग देख सकते हो पूरा क्लीन हो चुका है। और फैन जो है चल रहा है, और तो चेस्ट ड्रॉर सूख जाएगा, तो बाद में मैं इसे इसके जगह पे रख दूँगी। तो बस अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधे शावर लेने के बाद। सो गाइस, तो मैं जा रही थी नहाने, लेकिन हमारे पति देव जी ने ले आया है यहाँ पे मछली, तो अब मैं इसे करूँगी फ्राई, और इसे मैंने मैरिनेट कर दिया है, जो सिंपल रोज का मसाला होता है उसी के साथ, बस एक्स्ट्रा में मैंने सरसों डाला है। तो चलिए अब इसे करती हूँ फटाफट से फ्राई। तो ये तो होगा अभी फ्राई, और बाकी के जो है इसे मैं रख देती हूँ, तो इसे मैं रख देती हूँ फ्रीज में, मैं इसे कड़ी फिश कड़ी बनाऊंगी शाम को इसका। तो ये अभी मैं जा रही हूँ फ्रीज में रखने, और ये अभी फ्राई होगा, और इसे अभी हम लोग खाएंगे दाल चावल के साथ, तो इसे मैं रख के आती हूँ। गाइस, तो आज मुझे पूजा नहीं करना था, तो देख लो मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, और मुझे आज नहाने में भी लेट हो गया है। जैसे ही मैं नहाने के लिए जा रही थी तो ये आ गए हैं मछली लेके, तो मुझे बनाना पड़ गया, तो यहाँ ये पूजा कर रहे हैं, अभी वो आएंगे बाहर। सो गाइस, फाइनली मैंने नहा लिया है, और मैंने पहनी है ये वाली नाइटी। तो ये नाइटी मैंने मंगवाया था, ये आप लोग देख सकते हो। तो सो गाइस, तो ये नाइटी जो है मैंने मंगवाया था मयंत्रा से, और ये साटन का नाइटी, और बहुत ही सुंदर नाइटी है, बहुत ही अच्छा सा नाइटी, मुझे ये नाइटी बहुत अच्छा लगा है। सो गाइस, कुछ इस तरीके का ये नाइटी है, ये आप लोग देख सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा नाइटी है। तो मुझे ये नाइटी बहुत ही अच्छा लगा है, और आज मैंने इसे पहन लिया है, और सावर वगैरह मैंने ले लिया, नहा लिया है, और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है खाना खा चुके हैं, मतलब माही और माही के पापा खाना खा चुके हैं। तो अब मेरी बारी है खाना खाने की, तो फिर चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में और निकालती हूँ अपना खाना। यस, तो ये है मेरा फिश फ्राई हो चुका है, और ये फिश जो है कतला मछली है, तो कतला फिश है ये, और मेरे घर में सबसे ज़्यादा कतला फिश ही खाया जाता है, कतला मछली हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये है, तो चलिए फटाफट मैं दाल चावल निकालती हूँ। मेरी बेटी को तो मेरा नाइटी अच्छा ही नहीं लग रहा है। डिस्टिंग्विश्ड।
तो माही को मेरा नाइटी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं मुझे बताना कमेंट करके, मुझे तो ये नाइटी बहुत अच्छी लग रही है। तो चलो फटाफट से निकालती हूँ खाना। तो मैंने ले लिया यहाँ पे, ये है भिंडी का भुजिया और ये है परवल आलू का भुजिया, ये आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक फिश लिया है और मैंने ली है दाल। तो अब मैं चलती हूँ खाने। तो फाइनली मैंने खाना खा लिया है और खाना बहुत ही टेस्टी था। और कतला फिश फ्राइड इतना टेस्टी लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा यमी था। सो फ्रेंड्स, तो अभी शाम का 5 बज गया है और फिर से हो गया है अभी इवनिंग स्नैक्स टाइम। तो इवनिंग स्नैक्स टाइम में मेरे हस्बैंड का वही फेवरेट फिश सुबह का, जो मैंने फिश फ्राई किया था तो मैंने रख दिया था, तो मैंने फिर से यहाँ पे फिश को फ्राई कर लिया है, ये आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑमलेट। यहाँ मेरे पास फरी है, राइस पफ जिसे बोलते हैं, फरी है। तो फटाफट से उनके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चूड़ा डालने वाली हूँ जो पहले से भून के रखा हुआ था। डाल दे चूड़ा। और जैसा कि मैंने बताया है, वो गांव के स्टाइल में खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हें ये सब टाइप की चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है इनका। यहाँ पे है मेरा ऑमलेट और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म फिश फ्राई रख रही हूँ। तो ये रहा उनका शाम का नाश्ता, इवनिंग स्नैक्स। तो चलिए फटाफट से तो बस मैं लेके आ गई हूँ, अब हम लोग खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, तो फाइनली मेरा ये ड्रॉर जो है, चेस्ट ड्रॉर धुल चुका है और सूख भी चुका है, और ये आप लोग देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है। तो ये देखो आप लोग, कितना क्लीन हो गया है वॉश होने के बाद, ये आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं फटाफट से इसमें सामान रख देती हूँ जो पहले से इसमें था, जिसे मैंने हटा दिया था, की जगह पे लगा दिया है। तो इसमें मैंने छोटे छोटे से, जैसे कि ये हो गया इनो, ये कॉफी का पाउच, यही सब चीजें हैं छोटी छोटी सी। सो गाइस, तो मुझे इसमें जो सारी चीजें रखनी थी मैंने रख दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने सारी चीजें फाइनली रख दी है। तो इधर हो गया है कंप्लीट। सो गाइस, तो हमारा शाम का नाश्ता वगैरह हो गया है, तो अब बारी है आयरन करने की। तो आयरन के लिए यूजुअली मैं अपने सारे कपड़े जो है लाउंड्री में दिया करती थी, लेकिन अभी कोरोना के कारण और बंदी के कारण सारा लाउंड्री वगैरह जो है सब कुछ बंद है। तो अभी मैं घर में ही सारा आयरन करूंगी खुद से। वैसे मेरा सारा कपड़ा जो है वो लाउंड्री में ही जाता था आयरन होने के लिए। तो चलिए फटाफट से एक एक करके मैं करती हूँ आयरन।
सो गाइज फाइनली मैंने अपने कपड़े भी आयरन कर लिए हैं, सारे नहीं किए हैं मैंने, कुछ आयरन किया है, कुछ मैं बाद में कर लूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत सारा आयरन का कपड़ा जमा हो गया था, तो बस आयरन भी हो गया है। मन किया है चाय, हाँ मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय ले लिया है, और इधर टीवी देखते देखते मैं चाय पी रही हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मेरे हस्बैंड जो है अभी थोड़ा बाहर गए हैं, तो मैं अभी उनको कॉल करके बुलाती हूँ कि आपका चाय रेडी हो गया है, आप चाय आके पी लो। और ये आप लोगों को कैसा लगा, ये टी सेट आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ये मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, मतलब मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, और साथ ही साथ इसके इन दोनों कप के साथ एक केटल भी आया है, केतली चाय रखने के लिए, बट अभी मैंने वो नहीं यूज किया है। ओके सो ऐसे चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे चाय पी के। आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आज का वीडियो आप लोगों को किसी भी कारण से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं इसी तरह के वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और आप लोगों को किस तरह के वीडियोस देखने हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।